कैमूर में ओवरलोडेड वाहनों को अवैध तरीके से NH2 पर पार कराने के मामले में 18 एंट्री माफियाओं की गिरफ्तारी हुई है। उनके पास से 2.75 लाख रुपये नकद, 24 मोबाइल और 9 लग्जरी वाहन जब्त हुआ। वहीं कैमूर SP दिलनवाज अहमद ने बताया कि बहुत दिनों से एंट्री माफियाओं के सक्रिय होने की सूचना मिल रही थी। विशेष टीम बनाकर मोहनिया DSP, RTO और थाना अभियान चलाते हुए कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी रहा है, पहले भी कुछ कांडों में जेल गए हैं। फिलहाल सभी को जेल भेज दिया जा रहा है। कैमूर से बिट्टू सिंह की रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि NH2 पर बड़ी संख्या में एंट्री माफिया सक्रिय है। इस सूचना पर कल एक टीम बनाई गई थी जिसमें DTO, RTO, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मोहनिया और कई थानों की पुलिस थी। संयुक्त रूप से छापामारी की गई। दो होटलों पर खुदरा थाना अंतर्गत छापामारी की गई जिसमें 18 जो एंट्री माफिया है वो पकड़े गए। इनके पास से लगभग 2.75 लाख रुपये, 9 लग्जरी गाड़ियाँ, कई गाड़ियों के कागजात, मतलब जो एंट्री के सबूत इत्यादि प्राप्त हुए, सभी पर प्राथमिकी दर्ज की जाए। ये ओवरलोडेड जो बालू लदे ट्रक होते हैं उनका ये स्कॉर्ट करके आगे आगे चलते हैं और फिर प्रशासन और इसको चकमा दे करके या फिर उनके नाम पर इसको पास पार कराते हैं और गाड़ियों से ठगी करते हैं। हाँ, कई का इसमें आपराधिक इतिहास भी है, जिसमें पटना जिले से एक लूट के केस का जानीपुर थाने में जेल जा चुके हैं और कई एंट्री माफिया के पुराने कांडों में भी इन पर आरोप लगा कई लोगों पर।